लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन 2 की तर्ज पर गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर को सील किया जाएगा। प्रशासन ने फैसला लिया है कि एक बार फिर सोमवार आधी रात से गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि लॉकडाउन के चौथे चरण में दी गई रियायतों के चलते आवाजाही होने से संक्रमण के मामलों में इजाफा हुआ है। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने दिल्ली गाजियाबाद सीमा को लॉकडाउन 2 की तरह ही एक बार फिर से अगले आदेश तक के लिए सील करने का फैसला लिया है। गाजियाबाद जिला प्रशासन मीडिया कर्मियों सहित आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को पास आईडी की जरूरत नहीं है। आवश्यक सेवाओं के लिए एम्बुलेंस और वाहनों को भी आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। बहरहाल बता दें कि बॉर्डर सील होने के दौरान थोड़ी रियायतें भी दी जाएंगी। भारी वाहन व ट्रक आदि से ढुलाई करने वाले वाहन, जरूरी वस्तुओं एवं दवाओं से जुड़े वाहन, बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े वाहन, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, मेडिकल स्टाफ, बैंकिंग स्टाफ को किसी भी प्रकार के स्पेशल पास की जरूरत नहीं होगी। इन सभी लोगों के आईडी कार्ड को ही मान्यता होगी। इसके अलावा एम्बुलेंस बिना किसी रोक टोक के आवागमन कर सकेगी। इसके अलावा भारत सरकार में काम करने वाले उप सचिव और उसके ऊपर के अधिकारी जो गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं, उन्हें केवल अपने परिचय पत्र दिखाना होगा। उनके भी परिचय पत्र को मान्यता प्राप्त होगी। इन्हें भी किसी स्पेशल पास की जरूरत नहीं होगी।